हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक मीठी रेसिपी बताऊंगी जो फटाफट आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फटाफट किस तरह से हम ये मीठी रेसिपी बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक पैन, इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, एक टीस्पून। और इलायची तोड़कर डालेंगे इसमें, इसके जो है टेस्ट आ जाए इसके बीजों का। उसके बाद हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे, ये गरम दूध है। तो हम 2 कप इसमें दूध ऐड करेंगे और 1 कटोरी सूजी जो हमने भून लिया है, थोड़ा सा घी डाल के हम भून लिए हैं। पहले भी हमने हलवा सूजी का बनाते समय बताया है किस तरह से इसको हम भून लेते हैं, या भून कर आप रख सकते हैं इसको। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम 1.5 कटोरी चीनी ली है। 1 कटोरी सूजी ली थी तो 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप मीठा जो है कम ज़्यादा खाते हो तो चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ढक देंगे और ढक कर इसको 10 मिनट में ही पक जाता है। देख सकते हैं 10 मिनट हो गया है। अब हमने ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट डाल के इसको अब सर्व कर देंगे। ये रेडी हो चुकी है, इसको बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है बस। और आप भी इसको बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी भी लगती है। सिर्फ 2 ही चीज़ें बनी, दूध और सूजी और जो है चीनी, बस ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई।